दरभंगा में नशेड़ियों का आतंक फिर से देखने को मिल रहा है। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल DMCH में आए दिनों नशेड़ियों के हंगामे का खबर आते रहती है कि नशेड़ियों की टोली ने DMCH में इलाजरत मरीज के परिजन से वसूलकी कर उनके पैसे को छीन लिए। इन नशेड़ियों के विरोध नहीं होने के कारण बीती रात नशेड़ियों की एक टोली ने DMCH के जूनियर डॉक्टर पर ही हमला बोल दिया। यह तो शुक्र रहा कि कुछ लोगों ने नशेड़ियों की हरकत को देख लिया और उनके चंगुल से जूनियर डॉक्टर को छुड़ा लिया। वही पीड़ित जूनियर डॉक्टर भाग्यवर्धन ने कहा कि इमरजेंसी विभाग से निकलकर वे गायनिक विभाग की ओर जा रहे थे, तभी गाड़ी के पीछे एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग लगातार हॉर्न बजा रहे थे, जिस पर उन्होंने जगह मिलने पर साइड दूंगा बात बोली, उनके साथ बदसुल्की करते हुए गाली ग्लौज किया। इसके बाद वे लोग गायनिक विभाग के रास्ते उनकी गाड़ी को रोककर गाड़ी पर हमला कर दिया, कॉलर पकड़कर बदसुल्की करने लग गए, जिसमें एक को उन्होंने पहचान लिया। उसमें से एक आशुतोष नामक व्यक्ति है जो DMCH के आयुष्मान विभाग में काम करता है, अन्य 2 लोगों की पहचान नहीं कर पाए हैं। वही आसपास के लोगों ने नशेड़ियों की हरकत को देख करके वो दौड़े आए। इसके बाद वह तीनों मौके से फरार हो गए, जिसके बाद उनकी जान बची। वही उन लोगों का कहना है कि रात में नाइट ड्यूटी रहती है उनकी, इस रास्ते से DMCH के काफ़ी लड़के और लड़कियां आते जाते रहती है। ऐसे में नशेड़ियों की इस प्रकार की हरकत से सोच सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। वही सुरक्षा को लेकर के स्ट्राइक होती रहती है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था में किसी भी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिलता है। डॉक्टर साहब का शुभ नाम क्या हुआ? डॉक्टर भाग्यवर्धन, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में, मैं सेकंड ईयर हूँ, पीजी कर रहा हूँ जी। आज रात में आपके साथ क्या कुछ घटना घटी है? इमरजेंसी के पास मैं आ रहा था अपने कार से, तो कार में टर्न कर रहा था, आगे में गाय थी और बगल में एक टोटो आ रहा था, तो पीछे से एक बाइक पे 3 जन लोग थे और वो लोग अपना गाड़ी से जा रहे थे और लगातार हॉर्न दिए जा रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कि क्यों हॉर्न दे रहे हैं, जब मैं जगह मिलूंगा तभी मैं साइड कर पाऊंगा। तो उन्होंने पूछा, गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिए, बोले बहुत गंदा गंदा गाली देने लगे। तो मैंने बोला कि क्यों गाली दे रहे हैं, जब जगह मिलेगा तो मैं साइड करूंगा। तब तक में वो लोग भागे आगे और गायनी डिपार्टमेंट की तरफ, जो सर्जरी बिल्डिंग नया वाला बना है उसकी तरफ लोग बढ़े आगे, तो मैं भी उनके पीछे पीछे गया। जैसे ही थोड़ा सा शांत हुआ एरिया, वो रोक गए और रोकने के बाद वो लोग उतर के आए और गाड़ी पे पूरा अटैक कर दिए 2 आदमी, इसमें से तीसरा आदमी जो आयुष्मान में काम करता है, आशुतोष करके नाम उसका है, और उसके साथ 2 लोग थे जिनको मैं जानता नहीं हूँ। वो लोग गाली ग्लौज करने लगे और पूरा कॉलर पकड़ लिए, गाड़ी के अंदर में पूरा ठेलम ठेल करने लगे। और उसके बाद इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से 2-3 जो वहाँ चाय बेचते हैं वो लोग आए, उनको देखा वो लोग, तब वो लोग वहाँ से भागा है और ऐसा व्यवहार किया है। मतलब कि आप ड्यूटी में, मैं अभी नाइट ड्यूटी में हूँ, 10 बजे से मैं ड्यूटी है मेरी, और मैं इमरजेंसी ड्यूटी में रात के समय में बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ जाती है ड्यूटी करने, गायनी में और सर्जरी डिपार्टमेंट में, और इस तरह का व्यवस्था यहाँ पे हमेशा से होता रहा है। सुरक्षा के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कुछ दिन पहले ही यहाँ पे स्ट्राइक हुआ था इस चीज़ को लेके, लेकिन बोला गया PCR वैन रहेगा, ये रहेगा, कुछ भी नहीं था। और मतलब जान मान को हमेशा यहाँ पे खतरा रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। डॉक्टर साहब एक बात ये बताइए कि वो क्या नशे के हालत में आपको दिखा या? 2 जो थे उसमें से वो नशे के हालत में थे, जो उन्होंने मुझे अटैक किया और अभद्र भाषा का व्यवहार किया और बहुत मतलब कॉलर पकड़ लिया उन्होंने और मुझे मतलब जान से मार कर करने का धमक कर रहा था। लेकिन बात ये थी कि उनके पास हो सकता है कल के समय में उनके पास कोई गन हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो हम अपने कैंपस में सेफ नहीं है, ये मतलब डॉक्टर बनने का एक बहुत बड़ा अभिशाप हम लोग के लिए हो गया है कि डॉक्टर अपने जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ पे सेफ नहीं है वो। इससे पहले SDPO साहब SDO साहब भी आए थे आप लोग के स्ट्राइक के समय में, तो उन्होंने आश्वासन दिया था, हम लोग भी थे वहाँ पे, कि यहाँ पे जो है वो बैरिगेटेड वगैरह लगाया जाएगा आज से कुछ दिन पूर्व, तो वो सब सुविधा भी कैंपस में नहीं है। कोई सुविधा नहीं हुई, बात हुई थी कि नाकाचे और कर्पूरी चौक पे होगा, बैरिकेटिंग होगा, गार्डेड एंट्री होगी, लेकिन PCR वैन रहेगा इमरजेंसी के पास, कुछ भी नहीं हुआ। अभी जो वारदात हुआ है ये इमरजेंसी कॉर्नर पे हुआ है, जहाँ पे मेन एरिया है, जहाँ पे पेशेंट का डॉक्टर का आने का मेन एरिया है, वहाँ पे हम सेफ नहीं है, तो हम कैंपस के बाहर वाला पार्ट में क्या सेफ रहेंगे। अच्छा ये बताइए कि अभी जो है रात में आपकी ड्यूटी थी? अभी मेरी ड्यूटी है 10 बजे से। तो रात में महिलाओं को भी ड्यूटी रहती है कि सिर्फ? सभी की ड्यूटी रहती है, शिफ्ट में वाइज में हर डिपार्टमेंट वाइज शिफ्ट चलती है। हमारा शिफ्ट 10 बजे रात से अभी स्टार्ट हुआ है, 10 बजे सुबह 8 बजे हमारी ड्यूटी है।
अच्छा, अभी थाना प्रभारी आए थे, बेता थाना प्रभारी, उनसे आपकी बहुत सारी बात हुई है, क्या कुछ उन्होंने? थाना प्रभारी से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि जो स्टाफ था आयुष्मान वाला जिसको आप पहचानते हैं, कल उनको शिनाख्त करके उनसे पूछा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि वो दो लोग जो थे अज्ञात लोग कौन थे और वो क्यों ऐसा किए हैं, वो कल वो जवाब देंगे। तो उसके लिए उनको नंबर आश्वासन दे के वो भी गए हैं। किस वेशभूषा में थे, कौन सी गाड़ी से थे? गाड़ी उनके पास बजाज का एवेंजर था, इसका नंबर 3665 था, BR07, मतलब पूरा नंबर मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन 3665 नंबर था। और जैसे ही वो लोग जुटने लगे तो वो लोग को डर था कि कुछ यहाँ पे मामला बढ़ेगा, तो वो लोग भाग गए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी देर होता तो आज बहुत कुछ हो सकता था वहाँ पे, उस पर अटैक हो रहा था और ये हो रहा था, बहुत सारा चीज़ हुआ। तो इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब हम लोग का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी का, वो भी हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास ड्यूटी करने के लिए है और हमारे पास सुरक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है। रात में हम आए दिन हमेशा कुछ भी ऐसा वारदात हमेशा होते रहता है।